गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक दैट इज फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज. सो लेट स्टार्ट फंक्शनल ग्रुप. व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? तो जैसे आपको पता है, फंक्शनल ग्रुप इज अ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंपाउंड. फंक्शनल ग्रुप क्या है? एक ग्रुप है या एटम का ग्रुप है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी के लिए. इन अवर सिलेबस देर आर फाइव फंक्शनल ग्रुप. फर्स्ट इज हैलोजन्स, एंड इन हैलोजन्स वी विल लर्न अबाउट क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन. सेकेंड इज एल्कोहल. एल्कोहल इज रिप्रेजेंट बाय OH. एंड अगर कोई भी कंपाउंड आपका एल्कोहल होगा तो आप ऑल यूज करोगे एज अ सफिक्स. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड. एल्डिहाइड को आप रिप्रेजेंट करते हो CHO से. किसी भी कंपाउंड में एल्डिहाइड होगा तो आप एज अ सफिक्स क्या यूज करोगे? आल. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो आज हम करने वाले हैं दैट इज कीटोन. कीटोन कब आप बोलते हो? जब आपको किसी भी कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड ओ देखने को मिले. इन कीटोन आप हमेशा ओ एन ई ऑन यूज करते हो एज अ सफिक्स. एंड लास्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्रेजेंट बाय COOH. और जब भी किसी भी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो आप एज अ सफिक्स क्या यूज करोगे? ऑइक एसिड. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट दीज फाइव फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. सो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आप हेलोजन का नाम दे सकते हो या एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड. सो फर्स्ट इज हेलोजन्स. अगर आपको ये कंपाउंड दिया है तो फर्स्ट, अगर आपको इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है तो फर्स्ट यू हैव टू गिव नंबरिंग टू दी कार्बन चेन. आप हमेशा उस कार्बन को नंबर वन दोगे जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप सबसे पास में लगा हुआ है. हियर सी क्लोरीन. क्लोरीन इज अ फंक्शनल ग्रुप. वो इस कार्बन से सबसे जल्दी लगा हुआ है तो मैं इस कार्बन को क्या दूंगी? 1, 2 एंड 3. हियर हाउ मेनी कार्बन इन अ कार्बन चेन? कितने कार्बन है? 3. दैट मीन्स आपकी चेन किसकी हो गई? प्रोप. सिंगल बॉन्ड इज देयर बिटवीन कार्बन तो हम क्या लिख देंगे? एन. एंड हियर आप देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? क्लोरीन. बट जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम क्लोरीन नहीं बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे. एंड इट इज यूज एज अ प्रफिक्स. हमेशा ये आगे लगता है, कभी भी आप एज अ सफिक्स उसको यूज नहीं करते हो. तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? क्लोरो प्रोपेन. अगर आपको उसकी पोजिशन बतानी है क्लोरो की, आप बता सकते हो. अदरवाइज अगर फर्स्ट पर है तो कोई जरूरत नहीं है बताने की. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. यस, अब इस कंपाउंड का हमको IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है. फर्स्ट रूल क्या होता है? कार्बन चेन को आपको नंबरिंग देनी है. सो वी विल स्टार्ट विथ, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5. आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5. बिकॉज फ्रॉम बोथ द साइड क्लोरीन किस कार्बन पर आ रहा है? सेकेंड पे. तो आप कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हो 1, 2, 3, 4, 5. नाउ कार्बन चेन को इस तरीके से आपको बाहर निकाल लेना है. फाइव कार्बन चेन मीन्स क्या आएगा? पेंट. कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मीन्स एन. नाउ अब आप देखो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है?
क्लोरो एंड पोजिशन ऑफ क्लोरो फंक्शनल ग्रुप इज 2 and 4, तो हम उसको एज अ सफिक्स क्या लिख देंगे, 2-4, एज अ प्रफिक्स 2-4 डाई क्लोरो. तो ऑलवेज आपका जो हेलोजेंस है वो कैसे यूज होते हैं, एज अ प्रफिक्स, वो कभी भी एज अ सफिक्स यूज नहीं होते हैं. फॉर क्लोरीन यू यूज क्लोरो, फ्लोरीन के आप फ्लोरो यूज करोगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो करोगे, आयोडो के लिए आयोडीन करोगे, और इस तरीके से आप कोई भी हेलोजन कंपाउंड का नॉमनक्लेचर कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद एल्कोहल. एल्कोहल कब आप बोलोगे, जब आपको किसी भी कंपाउंड में OH दिखे एज अ फंक्शनल ग्रुप, और जब भी OH आएगा तो आप एज अ सफिक्स क्या यूज करोगे, ऑल. नाउ फर्स्ट कंपाउंड इज CH3CH2OH. इसका IUPAC नॉमनक्लेचर करना है तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वी विल गिव नंबर टू द कार्बन चेन. तो नंबरिंग आप कहाँ से दोगे, फंक्शनल ग्रुप से नियरेस्ट कार्बन को हम क्या देंगे, नंबर वन, 1 and 2. हियर कार्बन चेन कितने की है, 2. 2 मिस व्हाट, इट. सिंगल बॉन्ड मिस एन. एंड फंक्शनल ग्रुप इज OH. मैंने आपको बताया था जब OH होगा व्हाट यू विल राइट, ऑल. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल. नाउ नेक्स्ट इज CH3CH CH3OH. नाउ इसका IUPAC नॉमनक्लेचर करना है, नंबरिंग देना है. आप इस साइड से भी नंबरिंग दे सकते हो, आप इस साइड से भी नंबरिंग दे सकते हो, बिकॉज फ्रॉम बोथ द साइड OH ग्रुप किस पे आ रहा है, सेकेंड कार्बन, 1, 2, 3. नाउ कार्बन चेन 3 carbon, तो 3 carbon मीन्स प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन. एंड नाउ सी ऑल आपका किस पे आ रहा है, सेकेंड. तो इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपान टू ऑल. सो इज इट क्लियर टू यू. एल्कोहल में हम क्या करते हैं कि OH जो होता है आपको, स्टॉप कर दे 5 मिनट के लिए. सो इज इट क्लियर टू यू. एल्कोहल में हम हमेशा क्या करते हैं, एल्कोहल आप जब बोलोगे, जब आपको किसी भी कंपाउंड में OH एज अ फंक्शनल ग्रुप दिखेगा, और एल्कोहल में हम एज अ सफिक्स क्या यूज करते हैं, ऑल. इज इट क्लियर. नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज एल्डिहाइड. एल्डिहाइड कब बोलोगे, जब आपको किसी भी कंपाउंड में एज अ फंक्शनल ग्रुप क्या देखने को मिलेगा, CHO. और जब भी आपको CHO किसी भी कंपाउंड में दिख रहा है, यू विल यूज आल एज अ सफिक्स. सो फर्स्ट एल्कोहल कंपाउंड जो मैं लिख रही हूँ, दैट इज CH3CH2CHO. नाउ हमको इसका IUPAC नॉमनक्लेचर करना है, सो फर्स्ट वी विल गिव नंबर टू द कार्बन. तो नंबर वन किसको दोगे, नंबर 1, 2 and 3. हियर कितने कार्बन की चेन है, 3 मीन्स प्रोप, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन सो एन. एंड इधर आपको जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, दैट इज एल्डिहाइड. एल्डिहाइड के लिए हम एज अ सफिक्स क्या यूज करते हैं, आल. सो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल. यस, जब आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो आपको उस कार्बन को भी नंबरिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा. इज इट क्लियर. CHO वाला कार्बन भी आपको नंबरिंग में लेना होगा, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप कैसा है, कार्बन कंटेनिंग. इज इट क्लियर. नाउ नेक्स्ट कंपाउंड CH3CH2CH2CHO. यस, IUPAC नॉमनक्लेचर करना है इसका. नंबर 1 किसको दोगे आप, एल्डिहाइड कंटेनिंग कार्बन, 1, 2, 3 and 4. 4 carbon चेन मीन्स व्हाट, ब्यूट. सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन तो एन. एंड इधर आप देखो फंक्शनल ग्रुप आपको क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड. तो व्हाट यू विल यूज एज अ सफिक्स, आल. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल. सो इट इज़ वेरी सिंपल. एल्डिहाइड में आपको क्या करना है, अगर आपको CHO दिख रहा है
तो मींस दिस कंपाउंड इज एल्डिहाइड, और जब भी आपको सी एच ओ दिख रहा है तो आप एज अ सफिक्स क्या यूज करते हो, आल यूज करते हो. नाउ नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कीटोन. व्हाट इज कीटोन? व्हेन यू सी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इन एनी कंपाउंड, जब आपको किसी भी कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहा है तो आप क्या बोलोगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन. एंड इन कीटोन एज अ सफिक्स हम क्या यूज करते हैं? ऑन. क्या यूज करते हैं? ऑन. सो फर्स्ट कंपाउंड इज यस. सो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर आपको करना है. फ्रॉम वेयर यू विल गिव नंबरिंग? नंबरिंग कहाँ से दोगे? फ्रॉम लेफ्ट साइड. 1, 2, 3 and 4. हाउ मच कार्बन? 4 कार्बन मीन्स वॉट? ब्यूट. सिंगल बॉन्ड इज देयर? एन. एंड हियर फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, तो आप एज अ सफिक्स क्या यूज करोगे? ओन. बट आपको इधर पोजिशन बतानी पड़ेगी कीटोन की. इधर कीटोन किस कार्बन पर है? सेकेंड पर. सो वी विल राइट टू ऑन. इफ एनी स्टूडेंट नंबरिंग दे रहा है फ्रॉम राइट साइड, इफ ही इज गिविंग 1, 2, 3, 4 फ्रॉम राइट साइड, तो उसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. बिकॉज आप कार्बन को नंबरिंग उसी कार्बन से देते हो, उसी कार्बन को नंबर वन दोगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में. फ्रॉम हियर फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे है? सेकेंड. फ्रॉम हियर फंक्शनल ग्रुप किस पे आया? थर्ड. तो पास में कहाँ से है? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड अगर आप नंबरिंग करते हो. तो ये आयुपैक का रूल है. सो इज इट क्लियर टू यू कीटोन? नाउ लास्ट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड. सो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आप कब बोलोगे? जब किसी भी कंपाउंड में आपको एज अ फंक्शनल ग्रुप क्या देखने को मिलेगा? सी डबल ओ एच. और जब भी सी डबल ओ एच होता है तो एज अ सफिक्स आप क्या यूज करते हो? ऑइक एसिड. सो फर्स्ट एग्जाम्पल वी विल टेक ऑफ सी एच थ्री सी डबल ओ एच. वी हैव टू डू आई यू पी एस सी नॉमनक्लेचर. तो फर्स्ट वी हैव टू गिव नंबरिंग टू कार्बन एटम. वन नंबर आप किसको दोगे? 1 and 2. यू हैव टू इंक्लूड कार्बोक्सिल या सी डब्ल्यू एच कार्बन आल्सो इन नंबरिंग. आपको सी डब्ल्यू एच के कार्बन को भी नंबरिंग में लेना होगा. सो 1 and 2, 2 कार्बन, दैट मीन्स नेम स्टार्ट विद एथ. सिंगल बॉन्ड इज देयर? एन. एंड इधर आपको क्या फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? सी डबल ओ एच. और जब भी सी डबल ओ एच होगा एज अ सफिक्स व्हाट यू विल यूज? ऑइक एसिड. सो आईयूपीएसी नेम विल बी इथेनॉइक एसिड. वन मोर कंपाउंड वी विल टेक सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी डबल ओ एच. नाउ आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड. सो फर्स्ट वी विल डू द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स. तो कार्बन को आप कहाँ से नंबरिंग दोगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में. सो फ्रॉम राइट साइड 1, 2, 3, 4. 4 कार्बन मीन्स नेम स्टार्ट विद ब्यूट. सिंगल बॉन्ड इज देयर? एन. एंड फंक्शनल ग्रुप इज एसिड. सो वी विल यूज ऑइक एसिड एज अ सफिक्स. सो नेम ऑफ दी सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी डबल ओ एच इज ब्यूटेनॉइक एसिड. इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? सो आज हमने 5 फंक्शनल ग्रुप करे, हैलोजन्स, एसिड, एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. एक बार हम उसका शॉर्ट वीडियो टाटा क्लास पे देख लेते हैं. ठीक है, स्टार्ट. What are functional groups and homologous series? Today we use several items like pencil, dry cells, diamond, etc. Do you know the most essential element present in all these items? It is nothing but carbon. It is one of the most abundant chemical elements.
It exists in pure or nearly pure forms in diamonds and graphite, used in pencil and dry cells. Now, let us understand functional groups of carbon. Yes. स्टूडेंट, जैसे आपने इधर देखा कि यू कैन सी कार्बन, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, आप देख पा रहे हो कार्बन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. इन पेंसिल, अगर आप पेंसिल की बात करोगे, इन पेंसिल देर इज ग्रेफाइट, एंड ग्रेफाइट इज आल्सो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. अगर हम अपने पेपर की बात करें, द पेपर जो आप यूज कर रहे हो अपनी नोटबुक्स में एंड डायरी, तो जो पेपर होता है वो आपका किसका बना होता है? सेल्यूलोज. अगेन सेल्यूलोज में आपके क्या होता है? कार्बन. अगर हम अपनी बात करें, वी आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन. हम लोग भी किसके बने हुए हैं? कार्बन. बिकॉज हमारे अंदर बायोमोलिक्यूल्स हैं, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, है ना, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट. अगर आप इनकी बात करोगे, दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन. तो यू कैन सी कि कार्बन का अमाउंट हमारे एनवायरमेंट में कितना कम है, बट उसकी इम्पोर्टेंस देखो कितनी ज़्यादा है. Functional group is a specific group of atoms or bonds within a compound that is responsible for the characteristic chemical reactions of that compound. Carbon forms bonds with other elements such as halogens, oxygen, nitrogen, and sulfur. One or more hydrogens can be replaced by these elements in a hydrocarbon chain, where the valency of carbon remains satisfied. The element replacing hydrogen in this type of compound is called an. Yes. Now, many times students को ऐसा लगता है कि इन कार्बन compounds there is only कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो ऐसा नहीं होता है कि कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं. कार्बन और हाइड्रोजन के सिवा कोई और एलिमेंट होगा, सच एलिमेंट्स आर नोन एज हीट्रो एटम्स. इफ इन योर कंपाउंड देर इज कार्बन एंड हाइड्रोजन, देन सच टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन. अगर उसमें कार्बन और हाइड्रोजन हुआ तो फिर आप उसको क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन बोलोगे. अगर उसमें कार्बन हाइड्रोजन के सिवा कुछ और एलिमेंट हुआ तो फिर आप उसको क्या बोलोगे? दैट एलिमेंट इज नोन एज द हीट्रो एटम. सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि कार्बन कंपाउंड में ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है. यस, हेट्रो एटम. Here is a table which shows some important functional groups of carbon. The single line. Yes. So see, जो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप करा है, अगेन वो इधर आपको बताया हुआ है. फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो हमने किया था, दैट इज हेलोजन. हेलोजन इज रिप्रेजेंट बाई दी एक्स, और हेलोजन्स के अंदर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन वी कैन टेक. नाउ सेकेंड फंक्शनल ग्रुप इज एल्कोहल. एल्कोहल इज रिप्रेजेंट बाई ओ एच, और एल्कोहल जब होता है तो आप एज अ सफिक्स क्या यूज करते हो? ऑल. थर्ड फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड. एल्डिहाइड आप कब बोलोगे? जब आपके कंपाउंड में सी एच ओ एज अ फंक्शनल ग्रुप हो, और जब भी एल्डिहाइड होता है तो एज अ सफिक्स आप क्या यूज करते हो? आल. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन. कीटोन कब बोलोगे? जब आपके कंपाउंड में यू विल सी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपको दिखेगा, देन दैट कंपाउंड इज नोन एज कीटोन. और जब भी कीटोन होता है, यू विल यूज ऑन एज अ सफिक्स. एंड लास्ट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड कब आप बोलोगे? जब आपके कंपाउंड में एज अ फंक्शनल ग्रुप सी डबल ओ एच हो, और सी डबल ओ एच होगा तो आप एज अ सफिक्स क्या यूज करोगे? ऑइक एसिड. Represents the free valency or valencies of the group. The functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one hydrogen atom or atoms. Next, let us look at the homologous series. You know that the carbon atoms can be linked together to form chains of varying lengths. These chains can also be branched, and the hydrogen or other can be replaced by any of the functional groups on these carbon chains. Thus, the series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series. For example, look at the formulae of successive compounds. C
CH4 and C2H6. C2H6 and C3H8 differ by a CH2 unit, whereas C2H6 and C3H8 also differ by a... Now see, student. नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज. मैं आपको डिटेल में एक बार ग्रीन बोर्ड पे बताऊंगी. जस्ट एक बार इधर देखो, व्हाट इज दिस CH4 मीथेन एंड व्हाट इज दिस C2H4 ईथेन. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीथेन एंड ईथेन. एलिमेंट का कितने का डिफरेंस है इसमें? CH2. तो डिफरेंस इज CH2. देखो इसमें कितने कार्बन थे? 1. इसमें कितने कार्बन है? 2. सो डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन. इसमें कितने हाइड्रोजन थे? 4. इसमें कितने हाइड्रोजन है? 6. तो डिफरेंस हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2. तो इफ इन एनी सीरीज, कोई भी सीरीज है जिसमें आपको दो कंपाउंड के बीच में एलिमेंट का डिफरेंस अगर CH2 का दिखता है तो दैट सीरीज इज नोन एज होमोलोगस सीरीज. नेक्स्ट कंपाउंड C2H6 इज वॉट? इथेन. C3H8 इज वॉट? प्रोपेन. नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन इथेन एंड प्रोपेन. कितने का डिफरेंस हो रहा है? CH2. तो इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज. एनी सीरीज इन विच टू कंपाउंड इज हैविंग डिफरेंस ऑफ CH2. एलिमेंट का डिफरेंस CH2 होगा और मास का डिफरेंस दो कंपाउंड के बीच में क्या होगा? 14 AMU. अगर आपको किसी भी सीरीज में दो कंपाउंड के बीच में एलिमेंट का डिफरेंस CH2 दिख रहा है और मास का डिफरेंस 14 AMU दिख रहा है, देन दैट सीरीज इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज. CH2 unit. Here you can observe that as molecular mass increases in any homologous series will result in gradation in physical properties. This is because the melting and boiling points increase with increasing molecular mass. Other physical properties like solubility in a particular solvent also show a similar gradation, whereas the chemical properties determined solely by the functional group remain similar in a homologous series. Let us do a quick recap of the important points learnt in the video. Yes, homologous series is clear to you. होमोलोगस सीरीज क्या होता है? कोई भी सीरीज जिसमें दो कंपाउंड के बीच में एलिमेंट का डिफरेंस CH2 होता है और मास का डिफरेंस क्या होता है? 14 AMU, देन दैट सीरीज इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज. ऑलवेज रिमेंबर इन होमोलोगस सीरीज फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा आपकी क्या होती है? चेंज होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टी ऑलवेज रिमेन सेम. अब आप बोलोगे मैम फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स वॉट? फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट चेंज विथ चेंज इन कार्बन. जैसे जैसे आपकी कार्बन की चेन बड़ी होती चली जाएगी तो आपकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस, एंड अगेंस्ट सॉलिबिलिटी तो सॉलिबिलिटी विल आल्सो चेंज. जैसे जैसे आपकी कार्बन की चेन बड़ी होगी सॉलिबिलिटी विल डिक्रीज. इज इट क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे कि मीथेन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर और ईथेन, तो आप क्या बोलोगे? मीथेन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर. जैसे जैसे कार्बन की चेन आपकी बढ़ती है वैसे वैसे आपका क्या होता है? एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहा है एंड एल्काइल ग्रुप आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, सो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. सो एक बार मैं इसको आपको ग्रीन बोर्ड पर डिस्कस कर देती हूँ होमोलोगस सीरीज. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ होमोलोगस सीरीज. आपने टाटा क्लास में एक बार देख लिया है तो मैं इसको एक बार आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ. व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? यस, फॉर होमोलोगस सीरीज हमको एक सीरीज ले रहे हैं. यू कैन टेक, आप एल्केन की सीरीज ले सकते हो, एल्कीन ले सकते हो, एल्काइन ले सकते हो, एल्कोहल ले सकते हो. हम इधर एल्केन की सीरीज ले रहे हैं. सो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन इज वॉट? मीथेन. सेकेंड मेंबर इज वॉट? ईथेन. थर्ड मेंबर एज यू नो दैट इज प्रोपेन. फोर्थ मेंबर इज वॉट? ब्यूटेन. फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज इज पेंटेन.
Yes. What is this? Methane. CH3 is ethane. Next, propane. Next, butane. Next, pentane. Now, write molecular formula of methane. How many carbon is there? One. And hydrogen is how much? Four. Now in ethane, carbon, two. Hydrogen, six. Now in propane, carbon, three. Hydrogen, eight. Butane, carbon, four. Hydrogen, six, seven, eight, nine, ten. And in pentane, carbon, five. And hydrogen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So this is what molecular formula of alkene compounds. Molecular formula. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, my question is, what is the difference between alkene, alkene and alkyne? Yes. So alkene, alkene or alkyne mein difference kya hota hai? Ki jab bhi aapko carbon and carbon ke beech mein single bond dikhe. When you will see single bond between carbon and carbon, then that compound is known as alkane. Jab bhi aapko carbon aur carbon ke beech mein double bond dikhe, when you see double bond between carbon and carbon, then that compound is known as alkene. Aur jab bhi aapko carbon aur carbon ke beech mein triple bond dekhne ko milegi, to aap kya bologe? Alkyne. So this is the difference between alkane, alkene and alkyne. Now this is the molecular formula of alkane, methane, ethane, propane, butane and pentane. Now see the difference. Here how many carbon? One. In ethane? Two. So difference is what? One carbon ka. Idhar hydrogen kitne hai? Four. Idhar hydrogen kitne hai? Six. So difference is two carbon. Now here see, difference of carbon is one and difference of hydrogen is by two. Now see, here difference between carbon is one carbon ka aur idhar aap dekho, that is difference of two carbon. So as you see ki in homologous series koi bhi aap compound le lo ya continuous lena hai aapko successive compound ek ke baad ek. Jab aap koi bhi do compounds loge continuous to unke beech mein aap element ka difference dekhoge to you will see there is difference of CH2. अगर ऐसा किसी सीरीज में हो रहा है देन दैट सीरीज इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज. जैसी एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास. सो व्हाट इज द मॉलिकुलर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? 12. व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? वन हाइड्रोजन वन, सो फोर हाइड्रोजन इज, सो टोटल इज 16. नाउ सी द वन कार्बन इज 12, तो टू कार्बन का मास कितना हो जाएगा? 24 and hydrogen 6. So 24 plus 6 is 30. Now next, one carbon atomic mass is 12. So 3 carbon is 36 and hydrogen 8. 36 and 8 is 44. So as you see, methane molecular mass is 16 and ethane molecular mass is 13. What is the difference between the molecular mass? 14. Now see, molecular mass of ethane is 30. Molecular mass of propane is 44. What is the difference between the molecular mass? 14. So, homologous series is the series, wo aisi series hai, jismein do compound ke beech mein element ka difference kitne ka hota hai? CH2. Aur mass ka difference kitne ka hoga? 14 AMU. Agar aapko aisa kisi series mein dikh raha hai, to you can say that it is a homologous series. और ये जो कंपाउंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं होमोलोगस सीरीज की? दैट दे आर होमोलोगस ऑफ ईच अदर. सो इज इट क्लियर टू यू? सो आप कुछ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, आपको उसका आंसर देना. यस, नाउ आई विल स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज. यू हैव टू आंसर इट. रेज योर हैंड अगर आपको आंसर आता है. रेज योर हैंड एंड गिव मी योर आंसर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रुप्स ऑफ एटम दैट कैन अकर विद इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज. यस पल्लवी, फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं हम. यस,
फंक्शनल ग्रुप इज द राइट आंसर. जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इज अ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंपाउंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड डैश. यस यस दीपाली, होमोलोगस सीरीज, लेट्स चेक इट. यस राइट आंसर. तो जैसे मैंने आपको बताया था व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन. ये ऐसी होमोलोगस सीरीज है जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप तो चेंज होगा बट हाइड्रोजन आपका सब्स्टिट्यूट होता जाएगा और कार्बन विल इंक्रीज. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस कार्बन फॉर्म डैश विद अदर एटम फॉर स्टेबिलिटी. यस कविता, चेक इट. यस सिट डाउन. जैसे आपको पता है कार्बन ऑलवेज फॉर्म फोर बॉन्ड और आपको ये भी पता है कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, वो कभी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है बिकॉज कार्बन कैन नॉट गेन फोर इलेक्ट्रॉन. वो फोर इलेक्ट्रॉन गेन करके एट नहीं बन सकता इन इट आउटरमोस्ट ऑर्बिट, या वो फोर लूज करके टू नहीं बन सकता है बिकॉज अगर वो फोर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, देयर विल बी 10 इलेक्ट्रॉन इन इट न्यूक्लियस एंड 6 प्रोटॉन, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर 6 प्रोटॉन टू हैंडल 10 इलेक्ट्रॉन. अगर वो फोर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होगा, इट विल नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज फोर इलेक्ट्रॉन, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो कार्बन के पास लास्ट ऑप्शन होता है, इट विल शेयर इट फोर इलेक्ट्रॉन और वो क्या बनाएगा, फोर कोवलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इज होमोलोगस सीरीज फॉल्स. यस सेकेंड वन, चेक इट. यस कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है, तो यू कैन सी सेकेंड वन, एज मॉलिक्युलर मास डिक्रीज इन एनी होमोलोगस सीरीज इट विल रिजल्ट इन ग्रेडिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये यहां पर आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है. नेक्स्ट, द हिट्रोएटम प्रेजेंट इन CH3CH2O CH2CH2Cl आर डैश. यस सो चेक इट. एज यू नो हीट्रो एटम किसको बोलते हैं, द एलिमेंट अदर देन दी कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो आपको कार्बन और हाइड्रोजन से एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, तो यहां पर ऑक्सीजन और क्लोरीन आपका क्या हो जाएगा, हीट्रो एटम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन होमोलोगस सीरीज इज मीथेन. यस चेक इट. यस आपको जैसे पता है कि फर्स्ट मेंबर इज मीथेन, सेकेंड इज इथेन, थर्ड इज प्रोपेन, फोर्थ इज ब्यूटेन, फाइव पेंटेन एंड सो ऑन, सो राइट आंसर इज मीथेन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज. C4H8. एज यू कैन सी C4H8 इज ब्यूटीन एंड ऑल अदर दिस इज मीथेन, दिस इज इथेन, दिस इज प्रोपेन, तो ये आपकी एल्कीन सीरीज का हो गया, ये एल्केन सीरीज का है, तो इसमें जो बिलोंग नहीं कर रहा होमोलोगस सीरीज को दैट इज लास्ट वन इथेन. सो हियर वी विल फिनिश विद अवर टॉपिक दैट इज फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज. आई होप सबको समझ आया होगा. सो वी विल एंड अवर वीडियो हियर. थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर योर सपोर्ट.